The world is small and the life is smaller than the world. So, इस छोटी सी लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरी चैनल रियोनाथ किंगडम में। पूछ ब्लॉग की सीरीज में आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको श्री नर नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव का बद्री वन प्रदर्शन। भुज के श्री नर नारायण देव नूतन मंदिर में भगवान स्वामी नारायण ने जो नर नारायण देव की मूर्ति की स्थापना की थी और उनकी पूजा शुरू की थी, उसको 200 वर्ष पूरे होने आए हैं। इस खुशी में भुज नूतन मंदिर की तरफ से श्री नर नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक 9 दिनों के लिए मनाया जाएगा। पर उसके निमित्त एक बहुत ही भव्य बद्री वन प्रदर्शन रखा गया है, जो कुछ दिनों से बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। ये महोत्सव और प्रदर्शन रखा गया है भुज के नजदीक आए मिर्जापुर गांव के बाईपास रोड पर बद्री का आश्रम श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर के पास। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर उन पैसों को खर्च कहाँ और कैसे करना, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। इस महोत्सव में सेवा करने के लिए बहुत से एनआरआई हरिभक्त एक महीने पहले ही भुज आ गए थे, जो इस महोत्सव की तैयारी और अन्य हरिभक्तों की सेवा के लिए खूब परिश्रम भी कर रहे हैं। पूरे भारत से बहुत सारे हरिभक्त यहाँ आकर इस महोत्सव में सेवा दे रहे हैं। ऐसे निस्वार्थ भक्तों को ना तो किसी प्रचार का लोभ है, ना किसी अन्य चीज का मोह, जिनको बस भगवान श्री स्वामीनारायण की और उनके भक्तों की सेवा करनी है। यही वो नर नारायण देव की मूर्तियां हैं जो भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से स्थापित की थी। ये 7D मोशन थिएटर है, यहाँ पे 5 मिनट का 7D शो चलता है, जिसकी टिकट है 50 रुपीज। पर यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि ये शो आपको अंदर से दिखाऊँ। अब मैं मिलाने जा रही हूँ आपको मेरे एक स्टूडेंट से, जो यहाँ पे करीबन 10-12 दिनों से सेवा कर रहा है। પચીસ અલગ જગ્યાએ છે, એમાંથી કચ્છમાં પહેલી વખત થયું છે 70 શો। અક્ષરધામની યાત્રા, એ બધા ભગવાન લીલાઓ બધી રચાઈ છે અહીંયા, અને નાના છોકરાઓ માટે આગળ એડવેન્ચર પણ છે, અને અહીંયા રેપિડ ને નાના છોકરા માટે રેપિડને બધું રાખેલું છે લાઈવ, અને અહીંયા બહુ બધું વસ્તુ એવી છે, મોટાઓને કે નાટાને બધી વસ્તુ શીખવા જેવી છે, અને મોબાઈલથી આપણે બધા મોબાઈલ કરીએ છીએ, એનાથી પણ કેમ દૂર રહેવું, ઓનલાઈન ગેમ્સથી કેમ દૂર રહેવું, એ બધી વસ્તુ છે। અને હું બધાને વિનંતી કરું છું કે અહીંયાથી જરૂર પધારો, એ બહુ સારું કર્યું છે ભુજ મંદિર શ્રી।
दिलीप जैसे यंगस्टर मोबाइल और दूसरे ऐसे व्यसन की लत लगाने के बदले भगवान की सेवा की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर मुझे रियली अच्छा लगा। ये बद्रीवन के पूरे एग्जीबिशन का ब्लूप्रिंट है, तो यहाँ पे देखकर आप अच्छे से प्लान कर सकते हो कि आपको कितने टाइम में क्या क्या देखना है।
बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे बहुत से टाइप के बर्ड्स, कछुए और रैबिट्स रखे गए हैं।
मेन रोड से महोत्सव तक अंदर जाने के लिए निःशुल्क तौर पर गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। और कोई सीनियर सिटीजन अगर चल ना पाते हो तो एग्जीबिशन देखने के लिए उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। तो आप अपनी फैमिली के साथ एक बार ये महोत्सव और एग्जीबिशन देखने जरूर आए। अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड टू रियोनास किंगडम। और कैसा लगा है वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण। अगर आप शॉर्ट मूवीज देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रियोना। साथ में अगर आप पूछ कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रियोनास किंगडम। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।